एवरीवन, वेलकम टू फोकलोर फैशन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो कुछ डिफरेंट दिख रहा है कि नहीं? ऑफ कोर्स मेरा बैकड्रॉप, अगर आप मुझे पिछले साल से फॉलो कर रहे हो या उससे पहले से, तो आपने देखा होगा कि मैं ऐसे मोनोटोन वाले बैकड्रॉप्स लगाती रह रही हूँ प्रॉपर कलर्स के अकॉर्डिंग। मैंने पहले ग्रीन भी लगाया, लाइक ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन एंड ऑल शेड्स ऑफ पिंक एंड ऑल शेड्स ऑफ ऑरेंज एंड मस्टर्ड या फिर बेज कलर सॉर्ट ऑफ। तो अब मैंने सोचा ठीक है ब्लू ट्राई आउट करते हैं, एंड ऑफ कोर्स मुझे बहुत ज़्यादा कूल लग रहा है। आप लोग बताओ, आप लोगों को कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि नहीं? तो थोड़े वीडियोज़ में मैं ये बैकड्रॉप रखूंगी और आप लोग मुझे बता सकते हो नेक्स्ट कलर आप लोग कौन सा देखना चाहते हो बैकड्रॉप में, वो भी बता देना। तो या आज की वीडियो पे आते हैं। तो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ इनसाइड कॉस्मेटिक्स की 2x कवर मास्टर कंसीलर्स, जो कि मेरे पास यहाँ पर हैं। नाउ इनसाइड के बहुत सारे कंसीलर्स हैं, मैंने यहाँ पर पूरी लिस्ट रख रखी है। उनके कंसीलर्स में पावर पफ कंसीलर्स आते हैं, ब्लेमिश फ्री कंसीलर्स आते हैं, डेली वेयर कंसीलर आते हैं, कलर करेक्टर कंसीलर हैं, 2x कवर मास्टर जो कि मेरे पास अभी है जो मैं रिव्यू करने वाली हूँ, एंड उसके अलावा HD एक बॉटल में भी आते हैं कंसीलर, एंड HD ट्यूब वाली पैकेजिंग में भी आते हैं जो कि LA गर्ल वाली है। तो सेवन कंसीलर्स मिल रहे हैं जो कि इनसाइड ने अभी तक लॉन्च कर रखे हैं अपने रेंज में। बट आज हम पर्टिकुलरली बात करेंगे इनसाइड कॉस्मेटिक्स के ये 2x कवर मास्टर कंसीलर्स के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा पसंद करे जा रहे हैं। एंड मैंने सोचा था कि मैं इनका रिव्यू लाइक कंपैरिजन वीडियो भी बनाऊंगी विद द स्विस ब्यूटी कंसीलर, बट अभी मैंने लेटली थोड़े टाइम पहले देख लिया, श्रेया जैन ने अभी रिव्यू कराया, कंपैरिजन कराया, बट मैंने उनसे पहले से सोच रखा था कि मैं ठीक है एक कंपैरिजन वीडियो बनाऊंगी, बट आई थॉट कि ठीक है अभी उन्होंने बना लिया है तो मैं क्या ही बनाऊँ, आप लोग उनका चेकआउट कर सकते हो। बट मैं इस वीडियो में भी छोटा सा क्लिप कंपैरिजन वाला डाल दूंगी स्विस ब्यूटी वाले जो लिक्विड कंसीलर्स हैं उनका और इनका। तो या वीडियो को पूरा देखिएगा, हम सब कुछ इन डेप्थ बात करेंगे। मेरे पास यहाँ पर दो शेड्स हैं इनके और या सब कुछ बात करेंगे डेप्थ इन में। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ कर लेना, उसके बराबर में एक बेल आइकन होगा उसको हिट कर देना ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियोज़ पोस्ट करूँ या द फर्स्ट पर्सन टू वॉच दैट आउट। ऑल्सो अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं करा है तो यहाँ हैंडल मैंने मेंशन कर दिया स्क्रीन पर, प्लीज़ गो एंड फॉलो मी ओवर देयर। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ऑल्सो मैं आपको ये बता दूँ ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैंने अपने पैसों से बाय कराया है, एंड ऑफ कोर्स मुझे रिव्यू करना अच्छा लगता है, प्रोडक्ट अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स रिव्यू करना बहुत अच्छा लगता है बिकॉज आप लोग के लिए हेल्पफुल रहते हैं काफी। तो या नॉन स्पॉन्सर्ड, नॉन कोलैबोरेटेड, एक्सट्रीम रॉ। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम इनसाइड कॉस्मेटिक्स की 2x कवर मास्टर कंसीलर की पैकेजिंग, प्राइस, अवेलेबिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड या इन चीज़ों के बारे में, फिर उसके बाद हम बात करेंगे इनके शेड रेंजेस के बारे में। तो ये मिलता है हमें 6 ml प्रोडक्ट फॉर ₹110 जो कि यहाँ पर मेंशन है। इसकी एक्सपायरी डेट है 09/21 से लेके 08/24 तक, लाइक ऑलमोस्ट ऐसी ही है दोनों। मेरे पास दो शेड हैं, दोनों की एक्सपायरी डेट 2024 तक है, आपको मिल जाएगी। एंड ये अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे, पर्पल पे अवेलेबल है, उसके अलावा ये इनकी इनसाइड कॉस्मेटिक्स की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। मैंने इन्हें फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था ना, मेरे साथ शेड में थोड़ा सा झोल हो गया जो कि ये 6 डिफरेंट शेड रेंजेस में लॉन्च हुए हैं, विच आई फील इज बहुत कम बिकॉज इंडियन स्किन टोन में और डाइवर्स शेड रेंजेस होने चाहिए। तो आई फील 6 शेड रेंजेस कम है, बट बाकी आई डोंट नो इफ दे आर गोइंग टू एक्सटेंडेड और नॉट। बट जो 6 शेड रेंजेस हैं दैट इज, सबसे पहला है सन बेज 01, फिर हनी है 02, एंड देन गोल्डन सैंड 03, 04 है पॉर्सिलीन, 05 है इनका रिच टैन, एंड 06 है गोल्डन रस्ट। नाउ जो शेड रेंजेस हैं वो बहुत ही मिक्स एंड मैच सॉर्ट ऑफ हैं, जैसे कि 04 पॉर्सिलीन है और पॉर्सिलीन सबसे ज्यादा लाइट शेड होता है तो जो कि 01 पे आना चाहिए था, बट यहाँ वो 04 है एंड सन बेज 01 पर है। तो बहुत ही ज्यादा जो शेड्स हैं वो मिक्स एंड मैच हो रखे हैं, इसमें सिर्फ दो ही थोड़े से डीप एंड डार्कर डस्की स्किन टोन को सूट करेंगे शेड्स जो कि 04 है एंड बहुत से बहुत, सॉरी 05 एंड बहुत से बहुत 06 है, बट उसके अलावा सारे ही शेड्स आई फेल्ट के बहुत ही लाइट हैं इंडियन स्किन टोन के अकॉर्डिंग। तो या मेरे पास जो शेड है वो है 04 एंड 05, एंड मैंने ऑर्डर किया था इनका एक कंसीलर जो मैं अंडर आईज में कंसीलर की तरह नॉर्मल यूज कर सकूं और एक कंसीलर जो मैं अपने कंटूरिंग की तरह यूज कर सकूं। ना कंटूरिंग के लिए 05 शेड जो रिच टैन है वो मुझे परफेक्ट है, वो मुझे परफेक्ट सूट करा, बट 04 पॉर्सिलिन शेड मैंने ऑर्डर नहीं किया था। बहुत ज्यादा फेमस है इनका 03 शेड जो कि है गोल्डन सैंड, बट गोल्डन सैंड जब मैंने ऑर्डर किया बट मुझे रिसीव हुआ 04 पॉर्सिलिन, एंड देन उसके बाद ये रिटर्नेबल नहीं था, आई डोंट नो पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई थी। तो मैंने सोचा ठीक है यही रख लेती हूँ, मैं इसे एज अ हाइलाइटिंग कंसीलर अप्लाई कर लूंगी। अकॉर्डिंग टू मी आपको शेड्स बहुत ही डेप्थ इन में देख कर ध्यान से अपने लिए ऑर्डर करने पड़ेंगे बिकॉज शेड्स बहुत ही ज्यादा मिक्स एंड मैच हो रखे हैं, अलग अलग शेड नंबर्स हैं अलग अलग शेड्स के अकॉर्डिंग और शेड रेंजेस ज्यादा डाइवर्स भी नहीं है। पैकेजिंग की बात करते हैं तो ये कुछ ऐसे कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आते हैं जिसमें आपको सारी चीज, एवरीथिंग इज मेंशन ऑन द पैकेजिंग इनसाइड 2x कवर मास्टर कंसीलर। बहुत ही ज्यादा गोल्डन कलर की एंड बहुत ही ब्लिंगी सी पैकेजिंग है। प्राइस, मैन्युफैक्चरिंग डेट, डेप्थ इन इंग्रेडिएंट लिस्ट, एवरीथिंग इज मेंशन
मेंशन, और जो इनके क्लेम्स है वो भी मेंशन हो रखे हैं, दैट इज ये वाटर प्रूफ है, इट मिनिमाइजेस फाइन लाइन, हाई कवरेज, लॉन्ग लास्टिंग, यूथफुल लुक, फोटो रेडी, ये सब इन्होंने मेंशन कर रखा है। जैसे ही आप अपने प्रोडक्ट को खोलते हो ना, इसकी जो मुझे पैकेजिंग लगी वो प्रॉपर एक लिपस्टिक, लिक्विड लिपस्टिक की जो पैकेजिंग होती है ना, जैसे कि अगर आपने शाई स्टाइल की TMS यूज करी है, द मेकअप स्टोरी वाली लिपस्टिक, बिल्कुल सेम वैसा ही, उतना ही लंबा लेंथ है एंड लिपस्टिक बिल्कुल लिपस्टिक की जैसे ही कंसीलर्स लग रहे हैं बिल्कुल। तो या ये कुछ ऐसी पैकेजिंग में आता है, ग्लास बॉटल है एंड लाइक प्लास्टिक बॉटल है, और यहाँ क्लियर बॉटल है, व्हाइट कैप है, और जो इसका वॉन्ड है बहुत फ्लैट वॉन्ड है, जो कि मुझे अगेन बहुत अच्छा लगता है बिकॉज अच्छे से ही प्रोडक्ट अब्जॉर्ब करता है और डिस्पर्स भी करता है। नंबर आपका आपको पैकेजिंग लाइक कंसीलर के कैप के ऊपर भी मिल जाएगा और अपना कार्डबोर्ड पैकेजिंग के ऊपर भी मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छी चीज है। शेड नंबर एंड नेम दोनों मिलता है यहाँ पर। सब तो हो गया इनका प्राइस, पैकेजिंग, अवेलेबिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग डेट, शेड रेंजेस एंड या इन सब चीजों के बारे में। अब हम एक्चुअली में बात करेंगे इनकी एप्लीकेशन के बारे में और इनका फॉर्मूला, इनकी लॉन्जिविटी, ऑक्सीडाइज होते हैं कि नहीं, ये सब। और फिर उसके बाद हम स्विस ब्यूटी के कंसीलर से छोटा सा कंपैरिजन भी करेंगे। तो जब मैंने इसको यूज किया, मैंने इसको ऑफकोर्स आपको बताया कि एज आ मैंने एक कंसीलर की तरह मंगाया था और एक मैंने कंटोरिंग शेड के लिए मंगाया, तो मैंने अपना फाउंडेशन अच्छे से बेस प्रिपेयर कर लिया एंड देन मैंने इसको कंसीलर को नॉर्मल यूज कराना। और आई थॉट कि मैं इस कंसीलर को दोनों तरीके के टूल से अप्लाई करके देखूंगी और मुझे देखना कि कितना अच्छा इसका यू नो कवरेज है। तो मैंने एक तरफ इसका कंसीलर यू नो ब्रश से ब्लेंड करने का सोचा और एक तरफ मैंने सोचा कि मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूंगी। तो मैंने दोनों तरफ कंसीलर अच्छे से पुट कर लिया और हाइलाइटिंग एरियाज में मैंने अपने फेस पे अच्छे से कंसीलर पुट कर लिया। ये कंसीलर है वो मेरे लिए हल्का सा लाइट है, ये एक प्रॉपर हाइलाइटिंग शेड है मेरे लिए लाइक कंसीलर की तरह। तो मैंने इसके बीनीथ कोई अलग से कंसीलर यूज नहीं करा है, बस फाउंडेशन यूज करा था, कलर करेक्टिंग करी थी अपने फेस पे। एंड जैसे ही मैंने इसे अप्लाई किया और मैंने ब्लेंड करना स्टार्ट किया, ब्रश से मैंने ब्लेंड किया तो ब्रश से मुझे कवरेज जो है वो ज्यादा दिखी, और फिर मैंने एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड किया तो डैम ब्यूटी ब्लेंडर से मुझे कवरेज उतनी नहीं दिखी, लाइक कवरेज कम हो गई, कट डाउन हो गई, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर प्रोडक्ट अब्जॉर्ब करता है। तो अगर आपको फुल कवरेज चाहिए तो आप ब्यूटी ब्लेंडर के कंपैरिजन में यू नो ब्रश यूज करिए। तो मुझे इसमें ब्रश में ज्यादा कवरेज दिखी एंड ब्यूटी ब्लेंडर में कम दिखी, मैंने ब्लेंड करा आप देख सकते हो। फिर मैंने इसे लेयर अप करने का सोचा कि ठीक है मैं लेयर अप करके चेक करती हूँ कि उसमें लेयर अप करने में जो कंसीलर है वो फट तो नहीं रहा है या फिर क्रीसी सा तो नहीं हो रहा, कैसा हो रहा है वो देखना था। तो मैंने इसे लेयर अप करा एंड लेयर अप करने के बाद मैंने इसे फिर से ब्लेंड किया उन्हीं टूल से, नहीं बल्कि मैंने लेयर अप करने के बाद मैंने इसे ब्रश से ब्लेंड किया, एंड क्योंकि मैंने यू नो टूल्स में कंपैरिजन देख लिया था, अब मैंने ब्रश से ब्लेंड किया बिकॉज मुझे फुल कवरेज कंसीलर चाहिए था, जो कि ऑफकोर्स ये नहीं है बट स्टिल मुझे फुल कवरेज चाहिए था जितना मैं ले सकती हूँ। तो मैंने ब्रश से ब्लेंड किया इसका सेकेंड लेयर अप्लाई कर एंड सेकेंड लेयर अप्लाई करने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुली सेकेंड लेयर सेट हुआ, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि हैवी है या मैंने लेयर अप कराए तो फट रहा हो कंसीलर या अंडर आइज में सेटल डाउन नहीं हो रहा हो या एक्सट्रीम लेवल का क्रीज अप कराओ, नहीं बहुत ही ब्यूटीफुली सेटल हुआ। और मेरा फेस देख सकते हो, मेरा बेस देख सकते हो, मुझे कंसीलर अप्लाई करने के बाद बहुत ही सीमलेस था इसका फिनिश लगा, एक्सट्रीम यू नो ड्राइंग एंड एक्सट्रीम हैवी कंसीलर नहीं फील हुआ। आपसे ये बिल्कुल भी थिक कंसीलर नहीं है और अंडर आइज को बिल्कुल भी मेरी ड्राई आउट नहीं करा, बहुत ही ब्यूटीफुली सेट हुआ। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी बहुत जेल लाइक है, जैसे मैंने इसे ब्लेंड किया ये बहुत ही सीमलेसली ब्लेंड हो गया विदाउट यूजिंग अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट, मुझे लेयर अप बार बार ज्यादा प्रोडक्ट यू नो डिपॉजिट नहीं करना पड़ा, थोड़े ही प्रोडक्ट में उसने अच्छे से ब्लेंड कर लिया, बहुत ही ब्यूटीफुली ब्लेंड हुआ। और लेयर अप करने के बाद आई केम टू द पॉइंट कि ये बिल्डेबल कंसीलर है, आप इसे बिल्ड कर सकते हो बट ये फुल कवरेज नहीं है एंड नेक्स्ट टू फुल कवरेज भी नहीं है, ये मीडियम कवरेज का कंसीलर है, उससे ज्यादा नहीं है। अगर आप सोच रहे एक्सट्रीम फुल कवरेज मिल जाएगा तो नहीं, एक्सट्रीम फुल कवरेज कंसीलर नहीं है, ना ही ये अप टू फुल कवरेज वाला सीन है इसके साथ लेयर अप करने के बाद भी। मैंने सोचा कि ठीक है मैं चेकआउट करती हूँ तब तक कि ये क्रीज करेगा कि नहीं, तभी मैंने अपना कंटूरिंग वाला शेड पिकअप किया एंड कंटूरिंग वाले शेड को मैंने अपना नॉर्मल कंटोर एरियाज में अप्लाई किया और कंटोरिंग जब मैंने ब्लेंड की है विद इन नो टाइम ये ऐसा चुटकियों में ब्लेंड हो गया मेरा ब्रश से इतना ब्यूटीफुली, मुझे ज्यादा हार्श टाइम फील नहीं हुआ, ज्यादा घिसना नहीं पड़ा एंड बहुत जल्दी सेटल डाउन नहीं हुआ, लाइक लगाते ही पता चला एकदम ड्राई हो गया और मुझे फिर घिसना पड़ रहा हो ब्लश, नहीं बहुत ही लाइट हैंडली मैंने ब्रश को स्वाइप किया है, स्वर्ल किया अपने फेस पे एंड बहुत ही जल्दी ये ब्लेंड हो गया। ऑफकोर्स मुझे बहुत प्यारा लगा ब्लेंडेबिलिटी एंड आप डिफरेंस देख सकते हो, प्रॉपर कंटोरिंग मेरी आई है, दूसरी साइड मैंने नहीं किया था, प्रॉपर कंटोरिंग मेरी फेस पे दिख रही थी एंड या मुझे कंटोरिंग के पर्पज से भी ये बहुत ही अच्छा लगा यू नो कंसीलर। एंड जैसे ही फिर मैंने अपने अंडर आइज में चेकआउट किया कि ये क्रीज हुआ कि नहीं, क्योंकि मैंने विदाउट सेटलिंग इट विद पाउडर मैंने थोड़ा सा टाइम दिया था कि एज इट इज देखती हूँ कि सेटल डाउन होता है कि नहीं या क्रीज होता है कि नहीं, तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा क्रीज होने लगा था अंडर आइज में क्योंकि मैंने इसे कॉम्पैक्ट पाउडर से सेटल नहीं करा था, फिर मैंने इसे लूज पाउडर से सेटल करा एंड लूज पाउडर से सेट करने के बाद ये बिल्कुल भी क्रीज नहीं हुआ, बिल्कुल ड्राई नहीं फील करा था अंडर आइज में, बिल्कुल हैवी नहीं हो रहा था, बहुत ही लाइटली ये सेटल डाउन हुआ है
अंडर आईज में एंड बहुत ही ब्यूटीफुली ये सेट डाउन हुआ है। अब देखते हैं कि ये कंसीलर्स ऑक्सीडाइज होते हैं कि नहीं। तो मेरे पास, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही यू नो थोड़ा सा यहाँ स्वाच ले लिया था कंसीलर का, अपना 04 पोर्सिलिन शेड का, एंड अब मैं एकदम फ्रेश स्वाच देती हूँ एंड देन चेकआउट करती हूँ कि ये हल्का सा भी हो रहा है कि नहीं। ये थोड़ा सा ऑक्सीडाइज हुआ है, लाइक जो मेरा प्रॉपर मैंने अभी थोड़ी देर पहले कंसीलर अप्लाई किया था ड्राई होने के बाद, जो मैंने अभी फ्रेश स्वाच लिया है उसके कंपेरिजन में ये एक शेड, एक से दो शेड अराउंड, एक शेड तो हुआ ही हुआ है ऑक्सीडाइज। तो ये चीज़ अच्छी है कि अगर यू नो आप पोर्सिलिन शेड ले रहे हो मेरी तरह, तो आपका ये कंसीलर सेटल डाउन हो जाएगा आपके स्किन टाइप में एंड एक्सट्रीम यू नो वाइट नहीं लगेगा। बस माई रिव्यू ऑन इनसाइड 2X कवर मास्टर कंसीलर्स। अब मैं इनका कंपेरिजन करती हूँ विद स्विस ब्यूटी कलर लिक्विड कंसीलर्स। तो ये कुछ ऐसे ही पैकेजिंग में आते हैं, ट्रांसपेरेंट बॉटल विद अ ब्लैक कलर का कैप। इसमें आपको 6 शेड्स मिलते हैं जिसमें आपका कलर करेक्टर भी इंक्लूडेड है। आई थिंक कि शायद शेड रेंज इनका एक्सटेंड भी हुआ है, 6 या 8 शेड रेंजेस हो गए, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट शेड रेंज एक्सटेंड हुआ है। इसमें कलर करेक्टिंग वाले शेड रेंजेस भी आते हैं एंड इसमें आपको और कलर्स भी मिलते हैं देन टू द कंपैरिजन इस वाले के ज्यादा। एंड जो इसके जो शेड्स हैं वो फुलेस्ट कवरेज देते हैं आपको, लाइक प्रॉपर ये जो कि आपके फाइन लाइन्स में बिल्कुल सेटल डाउन नहीं होता है, क्रीज नहीं करता है आपके अंडर आइज में, एंड लॉन्जिविटी भी इस कंसीलर की बहुत अच्छी है एंड लगाते ड्राई आउट भी नहीं होता है, हैवी नहीं है, थिक नहीं है, बट ये फुल कवरेज फाउंडेशन है, सॉरी कंसीलर है। तो ये इज लाइक, इट इज लाइक 10 out of 10 कंसीलर। इसके कंपैरिजन में आई वुड सजेस्ट कि ये बहुत से बहुत 8 out of 10 है बिकॉज ये फुल कवरेज नहीं है, बट उसके अलावा ब्लेंडेबिलिटी एंड सारी चीजों के लिए आई विल गिव इट 8 out of 10। तो वाज माय इन डेप्थ रिव्यू ऑन इनसाइड की 2X कवर मास्टर कंसीलर्स। मैंने इनके बारे में सब कुछ, एवरीथिंग आई हैव कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप आपका कोई डाउट नहीं रहा हो एंड अगर आपको कोई भी दिक्कत है या कुछ भी क्वेरीज है, कुछ भी पूछना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हो। आई विल बी अवेलेबल ओवर देयर एंड या अब मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योर्स, आई लव यू गाइज अ लॉट, बाय बाय।